शब्द आत्मा के अंदर है, उसी बड़ी की कथा से क्या आप कितने दिन बहुत दिन तक भी चले गए। तो हजरत बिलाल इतना आपके बारे में आपने सुना है, बिल्कुल काम नहीं हुआ, अब शख्स कह रहे अब जी लोग आज भी कह रहे इसके बदन से इस कालक को उतारा जाए जन्नत में, जब ये तशरीफ ले जाएंगे तो एक कालक इनके जिस्म से उतारी जाएगी और उस कालक से एक सुरमा कह लें या आजकल ये लोग तौर पे क्या लगाती हैं काजल, काजल की शक्ल में उसको तैयार किया जाएगा और उस काजल से बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म से जो कालक उतारी गई उस कालक का काजल बनाकर दोनों के नुकसान पर तिल लगाएंगे। मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बहुत कदरदान है, ये बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का इखलास था जिन्होंने बारी खाई और फिर अहद अहद का नारा लगाते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े कदरदान है, काश हम भी अपने सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाए। अल्लाह हमें भी ऐसा इखलास अता फरमा दे और अल्लाह हमें रियाकारी से दिखलावे से महफूज फरमा ले और अल्लाह हमें अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चला दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।